बुंदेलखंड न्यूज 24। तो बढ़ते हैं कुछ मुख्य खबरों की तरफ। झांसी मेडिकल कॉलेज में भर्ती मरीजों व तीमारदारों को जल्द ही यहां खुशनुमा माहौल मिल सकेगा। झांसी विकास प्राधिकरण कॉलेज परिसर में मॉडल तालाब बनाने जा रहा है। गुरुवार को तालाब की जमीन की पैमाइश कराते हुए सीमांकन किया गया। इस तालाब पर लगभग 1 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। बारिश के पानी की बूंद बूंद बचाने के लिए सरकार द्वारा कैच द रेन अभियान चलाया जा रहा है। इसके अंतर्गत रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वाटर बॉडी का संरक्षण का कार्य कराया जाना है। गड्ढे को गहरा कर तालाब का रूप दिया जाएगा, जिसमें मेडिकल कॉलेज प्रशासन के साथ तालाब की पैमाइश। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE के 10वीं और 12वीं के नतीजों से असंतुष्ट छात्रों के लिए सुधारात्मक परीक्षाएं 25 अगस्त से 15 सितंबर के बीच होंगी। बोर्ड ने बृहस्पतिवार को सुप्रीम कोर्ट को हलफनामा दिया, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया। कोविड-19 के कारण आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर नतीजे जारी किए गए थे। परीक्षा के लिए पंजीकरण 10 अगस्त से शुरू होगा और नतीजे 30 सितंबर को आएंगे। सत्ता के ट्रैक पर खूब रफ्तार से दौड़ी सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव की साइकिल का हैंडल अब अखिलेश यादव के हाथ में है। खुद ही राह के रोड़े हटाने हैं और साइकिल भी चलानी है। निसंदेह डगर चुनौती भरी है, तो अखिलेश का पॉलिटिकल स्टैमिना भी कम नहीं। भाजपा के चौड़े विजय रथ के किनारे से लोक भवन तक साइकिल पहुंचाने के लिए संगठन कितना पैडल मार सकता है, गुरुवार को साइकिल यात्रा में दिखा। मंत्रोच्चार से ब्राह्मणों को हमराही बनाने के न्योते के साथ सांसद आजम खान के सहारे मुस्लिमों के लिए पसीना बहाकर वोट बैंक का अच्छा संतुलन भी सपा मुखिया ने दिखाया। घाटे, कर्ज और बड़े बदलावों से गुजर रही दूर संचार कंपनी वोडाफोन आइडिया के हालिया घटनाक्रम से कर्मचारी और निवेशकों में डर समा गया है। इसे दूर करने के लिए CEO रविंद्र ठक्कर ने अपने 9,500 कर्मचारियों को ईमेल कर भरोसा दिलाया है कि कंपनी में सब कुछ ठीक चल रहा है और भविष्य को लेकर डरने की जरूरत नहीं है। दरअसल वोडा आइडिया के प्रवर्तकों ने आगे कोई भी निवेश करने से इनकार कर दिया है। गैर कार्यकारी चेयरमैन कुमार मंगलम बिड़ला के बुधवार को पद छोड़ने के बाद निवेश और कर्मचारी अपने भविष्य को लेकर चिंतित हो गए। इस पर CEO ठक्कर ने सीधे कर्मचारियों से संवाद कर अपनी कंपनी के बोर्ड में हुए बदलावों की जानकारी दी। आज विधायक शोभा रानी कुशवाहा ने चंबल प्रभावित गांव भमरौली, तिघरा, सानपुर और मोरोली के कई गांवों का प्रशासन के साथ निरीक्षण किया और खाद्य सामग्री वितरण की, तथा साथ ही ग्रामवासियों की समस्याएं सुनकर प्रशासन को निर्देशित किया कि किसी भी चंबल प्रभावित गांव में पीने के पानी और खाद्य सामग्री की कमी ना आए और आवागमन की व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित रहे, जिससे मरीजों और आमजन को समस्या का सामना ना करना पड़े। टोक्यो ओलंपिक के टर्फ पर भारत की महिला हॉकी टीम डिफेंडिंग चैंपियन ग्रेट ब्रिटेन के खिलाफ ब्रॉन्ज मेडल से लड़ाई हार गई। रियो ओलंपिक की गोल्ड मेडलिस्ट टीम ने भारतीय हॉकी की महिलाओं को 4-3 से हराए। इस हार के साथ भारतीय महिला हॉकी टीम का पहला ओलंपिक पदक जीतने का सपना टूट गया, पर वह इतिहास रचने में कामयाब रही। दरअसल ये पहली बार था जब भारत की महिला हॉकी टीम ओलंपिक के टर्फ पर मेडल के लिए लड़ रही थी। टूर्नामेंट ये दूसरी बार था जब ग्रेट ब्रिटेन के हाथों भारतीय महिला हॉकी टीम को हार मिली थी। इससे पहले ग्रुप स्टेज पर ग्रेट ब्रिटेन ने उसे 1-4 से हराया था। आज मिथिलेश कुमार चौकी इंचार्ज ग्रासलैंड ने दतिया मार्ग अंबाबाई के पास 2 नामजद आरोपियों को पकड़ा, जिनका नाम दशरथ कुशवाहा और रमेश अहिरवार बताया गया है। इनके पास 2 अवैध तमंचे बरामद किए गए हैं। आरोपियों को पकड़कर मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया गया है और कार्रवाई की जा रही है। झांसी शहर कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में आज मोदी योगी सरकार द्वारा किए गए अन्नदान कार्यक्रम की तीखी निंदा की गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अरविंद वशिष्ठ ने की। उक्त अवसर पर वक्ताओं ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अरविंद वशिष्ठ ने कहा कि दशकों से राशन कार्ड के माध्यम से राशन बढ़ता चला आ रहा है, यह कोई नई योजना नहीं है। आए दिन महिलाओं के साथ उत्पीड़न के केस आते रहते हैं। महिलाओं को कभी दहेज पर तो कभी छेड़खानी का सामना करना पड़ता है। आज ऐसा ही एक केस SSP कार्यालय पहुंचा, जहां
नेहा कुशवाहा का अपने पति के साथ 2017 से विवाद चल रहा है और पति के खिलाफ अरेस्ट वारंट भी निकाला जा चुका है, लेकिन आज तक उसका पति स्वतंत्र घूम रहा है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। साथ ही 2020 से नेहा कुशवाहा के पक्ष में आ गया था, लेकिन आज तक उसे मेंटेनेंस का खर्च नहीं दिया गया। बुंदेलखंड की मुख्य खबरों को देखने के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल बुंदेलखंड न्यूज 24।